हाँ जी पुत्र, कंटिन्यू कर दें ते नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो। और जी मैं गल करता सी ना पिछली वीडियो च के 2A वाली प्रॉपर्टी है ना, वो लिख लो। पहला एक आ प्रॉपर्टी लिख लो, 0 to 2A FXTX इज इक्वल टू 0 to A FXDX प्लस ए टू प्लस 0 to A एफ ऑफ 2A माइनस XDX। ठीक है, मतलब क्वेश्चन च ए डायरेक्टली नहीं लगनी, क्वेश्चन च आप ए पहला प्रूव कर लेने, वो बाद नेक्स्ट ए तो एक रिजल्ट डिड्यूस करा, वो थोड़ा डायरेक्टली क्वेश्चन च अप्लाई होगा। पहले ऐ करते हैं, इनू प्रूव कर लेने। राइट, हूँ तुम तो देखो कि लेफ्ट हैंड साइड शोरली राइट हैंड साइड के बराबर शो करनी है, इतने भी एफ एक्स है ना, इतने भी एफ एक्स है। तो लेट अस ट्राई कि इनू एफ एक्स रिड्यूस करिए सो दैट बराबर आना शुरू हो जाए। तो लेट अस टेक दिस इंटीग्रेशन है ना, 0 to A एफ ऑफ 2A माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं की किया कि अगर मैं इनू टी पुट करदा 2A माइनस एक्स नू, तो ए थोड़ा एफ टी डी टी टाइप आ जाएगा ना, फिर विल थिंक कि किमें बराबर करना है। तो हूँ डिफरेंशिएट, माइनस डी एक्स इज डी टी, तो ये हो गया एफ टी डी एक्स हो गया माइनस डी टी। लिमिट जब एक्स की वैल्यू ए है, एक्स की वैल्यू 0 है सॉरी, तो टी दी आ गई 2A, एक्स की वैल्यू ए है इतने, टी आ गया 2A माइनस ए। ठीक है, हुण लिमिट चेंज करके माइनस कंज्यूम कर लो और एफ टी डी टी नूं लिख दो एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो तुसीं की प्रूव कर लिया कि आ वाली इंटीग्रेशन कितने बराबर है, ए टू 2A एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो अगर मैं इतने प्लग कर दाँ ए टू 2A एफ एक्स डी एक्स, इफ यू सी ए वैल्यू अगर रख दो तुसीं ए टू 2A एफ एक्स डी एक्स, आ ते 0 to A एफ एक्स डी एक्स है ना, सो 0 to A एंड ए टू 2A, सो दैट इज इक्वल टू 0 to 2A एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो ये थोड़ी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, तो हूँ ना मेन ये तो प्रॉपर्टी डिड्यूस कर ली, और लिख लो कि 0 to 2A एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to A एफ एक्स डी एक्स। वो कहता की होगा कि अच्छा एक तो नोट करो, इस प्रॉपर्टी च लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, किंग तो ए टू बी होंगे ना, इतने लोअर लिमिट 0 है। वो कहता अगर 0 to अपर लिमिट दी है कुछ भी, तो अगर आ कंडीशन सैटिस्फाई होंगी, कंडीशन की है कि एफ ऑफ 2A माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर इफ दिस इज सैटिस्फाइड, वो मैं थोड़ा आसान तरीके दसूँगा कि की कहना चाहता है। तो कहता जी अगर ये हैगा तो की करो, इंटीग्रेशन च अपर लिमिट नू हाफ कर दो है ना, 2A का ए हो गया, और इंटीग्रेशन नू डबल कर दो। अच्छा इतने लेंदे भी 2A से करके भी इतने ए चंगा लगता है, अगर इतने ए लिया होंदा इतने फिर ए बाय 2 आ जाना सी। ठीक है, तो अगर आ कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट हाफ कर दो, तो इंटीग्रेशन 2 ना मल्टीप्लाई कर दो। हुण आ की लिखा है ये लिख लो, कि इतना पहले लिटरली लिख लो कि है ये कहता है कि इफ वी अप्लाई किंग प्रॉपर्टी, या सो कॉल्ड मैं उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी कहना होना, इनू सेकेंड तो फर्स्ट कहना होना, इफ वी अप्लाई किंग प्रॉपर्टी देन द फंक्शन इनसाइड द इंटीग्रेशन रिमेन्स सेम। ये सिंपल ये कह रहा है। ठीक है, वो कहता है कि जब आप किंग प्रॉपर्टी लाने ना, जनरली की होंगे किंग प्रॉपर्टी लाने फंक्शन साडा चेंज कर देता है, ये कहता है कि प्रॉपर्टी लाने के बाद फंक्शन साडा सेम रहा। क्यों, आ देखो 0 to लेट्स से 2A एफ एक्स डी एक्स किंग प्रॉपर्टी लाओ। ठीक है, आ आई है तो आ भी आई है, तो हाँ जी किंग प्रॉपर्टी लाओ तो क्या हो गया, आ अपर लिमिट, तो ये हो गया दैट इज एफ ऑफ 2A माइनस एक्स डी एक्स। आ बेटे आप किंग प्रॉपर्टी लाई, और एफ ऑफ 2A माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है ना, मतलब प्रॉपर्टी लाई, वट हैपन तुसी फर्स्ट प्रॉपर्टी लाई और जिहड़ा अंदर वाला फंक्शन है वो चेंज नहीं हुआ,
ई एफ एक्स के बराबर का मतलब है फंक्शन चेंज नहीं हुआ, फंक्शन रिमेन सेम। सो सिंपल लेना याद रखो कि पहली प्रॉपर्टी लाई, ये मैं बोल रहा हूँ बार बार बोल रहे हैं, समझ लो कि किंग प्रॉपर्टी लाने के बाद अगर अंदर वाला फंक्शन चेंज ना करे तां आ चीज़ वो कह रहा है फेक ही करो, इंटीग्रेशन नू डबल कर दो ते लिमिट नू हाफ कर दो। ठीक है, जिदा मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो भी समझा देना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ 0 to π साइन लेट्स से एक्स डी एक्स, जस्ट लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। आ साडा एफ एक्स हो गया, आ थोड़ी अपर लिमिट मतलब 2a ले लो। हुण तुसीं की कीता, प्रॉपर्टी लई पहली प्रॉपर्टी साइन ऑफ, हाँ जी अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है पाए माइनस एक्स, दिस इज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कैलकुलेट किया तुसीं। और ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कितने बराबर आ गया बेटे, साइन एक्स के बराबर ही आ गया। ठीक है, तो हुण आ की होया, तुसीं किंग प्रॉपर्टी लाई, यू अप्लाइड किंग प्रॉपर्टी एंड द फंक्शन रिमेन सेम, फंक्शन चेंज नहीं किया। फिर कहिंदा जे इदां है हुण इस इंटीग्रेशन नूं की करो, अगे 2 ना मल्टीप्लाई करके लिमिट तुसी अपर वाली हाफ कर दो, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो वंस अगेन मैं बार बार रिपीट कर दिया, आ सिंपल इन्ना कहता है कि आफ्टर वी अप्लाई द किंग प्रॉपर्टी अगर अंदर वाला फंक्शन चेंज नहीं करता तो फिर की करो इंटीग्रेशन को डबल करके की करो अगे, हाँ जी लिमिट अपर लिमिट को हाफ कर दो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दैट सेज, और अगर नाल नू कंप्लीट कर लो। सेकेंड जिहड़ा हुण आपां दसन जा रहे हैं ये तुसीं ऑलरेडी जानते हो, अगर कहिंदा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब अगर आ वाली वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो फिर यदी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है, और ए की कहिंदा है, ये कहिंदा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी लाई बाहर माइनस आ गया, ठीक है अपर किंग प्रॉपर्टी ला के बाहर माइनस आ जाए तो आंसर जीरो होंगे, वो भी कोई नवी चीज़ नहीं थोड़े लिए, यू नो तुम ए कर दो ना, जिमें मैं कहाँ 0 to π कॉस एक्स डी एक्स है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लाओ 0 to π कॉस, हाँ जी पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो आ तुसी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किया, ठीक है दैट इज इक्वल टू 0 to π कॉस पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, सो माइनस कॉस एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, ये तुसी पहले ही कर चुके हो, तो जब अगर माइनस बार आ जाए तो इनू ऐड करांगे तो आंसर की आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जिहड़ा सैकेंड पार्ट है वह बहुता यूज़ नहीं है बिकॉज दैट यू हैव ऑलरेडी डन, फर्स्ट पार्ट का यूज़ है कि एक बार फिर रिपीट करना, फिर क्वेश्चन चलते हैं। लोअर लिमिट जीरो होवे, अपर लिमिट जो भी है, अगर किंग प्रॉपर्टी लाने के नाल अंदर वाला फंक्शन चेंज नहीं करता लिमिट नू कर दियो हाफ, इंटीग्रेशन नू कर दियो डबल। ठीक है, अच्छा एक बड़ी बेसिक जी एग्जांपल तो स्टार्ट कर दें, लिखो 0 to π साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है बिना इनडेफिनेट लाइन इनू सॉल्व करना है। तो पहला हमेशा आप किंग प्रॉपर्टी लानी, राइट, और किंग प्रॉपर्टी ला के लेट अस सी की होंगे 0 to π जी साइन पाए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अंदर वाला फंक्शन की हो गया फिर सेम आ गया, इज एट लेयर साइन स्क्वायर एक्स ही आ गया, ठीक है बिकॉज साइन पाए माइनस एक्स इज साइन एक्स, तो सेम आ गया। तो व्हाट यू डिड, तुसी किंग प्रॉपर्टी लाई और अंदर फंक्शन सेम आ गया। रिमेंबर मैं फिर बोल रहा हमेशा किंग तो स्टार्ट करो, तो प्रॉपर्टी लावांगे और सेम आ गया। और एक चीज़ मैं दसन जा रहा, सम टाइम अननेसेसरी कई बार न्याणे कन्फ्यूज होंगे कि सर किंग प्रॉपर्टी जारी सैकेंड वाली दसी है, इन्हों का कोई भी बेटे ओवरलैपिंग नहीं है। किंग प्रॉपर्टी ने जब काम करना बंद करना है फिर इन्हें शुरू होना है, मतलब दे इन्हें कोई एक्चुअली कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। तुसी हमेशा पहला किंग लाओ, जे तो चेंज कर गया, हुण मान लो इतने साइन स्क्वेयर का फॉर एग्जाम्पल जिमें 0 to π/2 होंदा, है ना, मान लो आ होंदा 0 to π/2, तुसी किंग लाउणी सी ते साइन 90 माइनस एक्स की बन जाना सी, कॉस बन जाना सी, तो अपना टारगेट भी तो यही होंदा ना कि अंदर चेंज हो जाए, जे सेम ही हो गया फिर फायदा क्यों है। ठीक है, मतलब हजे तक की करते सी आपां, फर्स्ट या किंग प्रॉपर्टी लाउंदे सी अंदर वाला फंक्शन पुत्र चेंज करता सी, इहनू भी तुसी आए लेंदे सी, इहनू भी आए लेंदे सी, फिर ऐड करते सी या इहनू इत्थों सॉल्व करते सी, बेसिकली की सीगा अंदर वाला फंक्शन की करता सी पुत्र चेंज करता सी। तो सेकंड प्रॉपर्टी या जी हूँ अज की है वो पिक्चर ची तभी आएगी जब
किंग प्रॉपर्टी ने काम करना बंद करता, मतलब तुसी किंग प्रॉपर्टी लाई वो बदलिया ही नहीं, सो देर इज़ नो क्लैश बिटवीन दो। सो जब पहली काम करना बंद कर दे फिर दूजी ते आओ, ठीक है। हुण दूजी की करूगी, दूजी ने की करना, हुण इत्थे तुसी वेख्या कि आ लाई ते अंदर वाला फंक्शन सेम रहा, फिर नाल बड़े आराम नाल साइड ते मैंशन करो कि नाओ यूजिंग 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। वैन एफ ऑफ 2a - x इक्वल टू एफ एक्स, जब भी कोई प्रॉपर्टी लानी है भावें किंग भी लानी है साइड पर मैंशन करो, राइट। सो कहता जी क्योंकि हुण अंदर वाला फंक्शन सेम हो गया तो इस करके आ इंटीग्रेशन है, इनू आप टू ना कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो लिमिट नू कर दी हाफ, आ कह रहा, ठीक है। हुण देखो हुण जब लिमिट हाफ हो गई तो इंटीग्रेशन नवा आ गया, ठीक है, क्वेश्चन ही बदल गया ना, मतलब इन सेंस विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। हुण फिर की करना, जब लिमिट अद्धी होगी पुत्र दैन अगेन तुसी किंग ट्राई करो, ठीक है। तो हुण तुसी फिर किंग लाओ 0 to π/2, हाँ जी, कितना sin 90 - x, ठीक है, दैट इज कॉस एक्स। हुण चेंज कर गया, ठीक है, परपज तो यही है, हुण चेंज कर गया तो फिर आप इन ऐड कर लेंगे या सॉल्व कर लेंगे, इज दैट क्लियर। नाउ लेट्स ऐड, तो 2i इज इक्वल टू 2 times हाँ जी 0 to π/2 sin²x + cos²x 1 dx, आंसर थोड़ा आ जाएगा, समझ गए गल। तो फ्लो की रहेगा क्वेश्चन का, फ्लो रहेगा कि तुसी किंग लाओगे, अगर ते चेंज कर गया अंदर वाला फंक्शन तो फिर तेनू ऐड कर लो या सॉल्व कर लो, अगर अंदर वाला फंक्शन की चेंज नहीं किया फिर की करांगे, इंटीग्रेशन को डबल कर दो, लिमिट नू जो भी है अगर इतने 0 to a है तो वो अद्ध कर दो। हुण तुहाडे को नवा सवाल बन गया, नवा सवाल बन गया, फिर इदी फिर किंग लाओ, ठीक है, जे चेंज कर गया तो ऐड कर दो या सॉल्व कर लो, इज दैट क्लियर। मतलब जे किंग ला के अंदर वाला फंक्शन सेम आ गया, मतलब किंग प्रॉपर्टी ने काम नहीं किया, फिर तुसी लिमिट नू अद्ध करके इंटीग्रेशन डबल कर देना, ठीक है। आई होप गल खाने पै गई है इनू, हुण क्वेश्चन कुछ करते हैं होर जिन्ना थोड़ा होर क्लियर होगा, है ना। लेट अस सॉल्व फ्यू मोर, आ वाली एग्जाम्पल तो एक इस क्लियर है ना, तो चलो एक आ करते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जेई का, बट ऑलरेडी बीन आस्ट इन योर स्कूल एज वेल, राइट, तो इन्ना चंगी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, sin x की पावर 2n, मतलब ईवन नंबर है सारे पास, है ना, तो हुण इत्थे x भी नज़र आ रहा है, तो पहला तो शुरू जिवें मैं दस्या किंग तो ही करो, उन्ना x भी खत्म हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 0 to 2π, हाँ जी 2π - x। अच्छा हुण मैं पता की करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम तुसी एक स्टेप लिखोगे, इत्थे की आएगा sin(2π - x), ठीक है, चलो एक लिख ही देना, एक लिख देना, नेक्स्ट नहीं मैं लिखना, राइट, क्योंकि तुहानू ये चीज़ का आइडिया ही है, यू ऑलरेडी नो दैट 2π - x है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तेने सेम ही आ जाना 2π - x, ठीक है, 2π - x dx, ठीक है। आलस करनू जी करता हूँ समटाइम है, चलो। अच्छा हुण sin(2π - x) इज -sin(x), उपर पावर है ईवन, तो आंसर सेम ही आ जाएगा, राइट, नीचे वी आर द सेम, cos(2π - x) भी cos(x) आ जाएगा, ठीक है, दैट इज sin(x)^2n cos(x)^2n dx, ठीक है। हुण आपां की कीता, एडिंग 1 and 2, सो यू हैव 2i, हाँ जी, अगेन आ सारा ते कॉमन ही आ जाएगा, तो किन्ना आएगा x+2π - x, x रिमूव हो गया, 2π अगे आ गया, 0 to 2π sin²(2n)x sin²(2n)x + cos²(2n)x dx, ठीक है। इफेक्टिवली आ वाले पार्ट से कोई चेंज, हाँ जी, आया ही नहीं सी, चेंज तो x ही आया सी, ठीक है। ओके, इनू मैं रिमूव कर देना बाद, राइट, ठीक है। अच्छा हुण देखो, हुण असी फिर किंग प्रॉपर्टी लावांगे, 2π - x इत्थे भी, इत्थे भी, इत्थे भी, तो की होगा,
एन ए फिर साइन रह जाना, एन ए फिर साइन, एन ए फिर कॉस, मतलब सेम रहना फंक्शन। तो यदा मतलब नाउ यूजिंग 0 to 2a है ना एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी लाने के बाद अंदर वाला फंक्शन सेम हो गया, देर फॉर दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम 0 to a। ठीक है, अगल समझ आई? भावें तुम एक स्टेप शो कर दो 2π - x लिखो, ज़्यादा जे चाह या पूरा पे नंबर लेने हैं तो एक होर लिख दो, हालांकि वैसे इतने अंडरस्टूड राइट, तो अंदर वाला फंक्शन सारा सेम आ जाएगा, देर फोर वी कैन से अगे आ गया 2, लिमिट कर दो हाफ राइट, साइन एक्स रेज टू पार टू एन कॉस एक्स रेज टू पार टू एन डी एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक न्यू प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि अपर लिमिट हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, हुण आपां नूं शो करना पैना। नाउ लेट्स अगेन अप्लाई किंग, लिमिट बदल गई, फिर किंग लाओ, हाँ जी 0 to π, हालांकि फंक्शन फिर सेम आया। ठीक है, साइन पाए माइनस एक्स द पावर 2n, साइन पाए माइनस एक्स द पावर 2n, कॉस पाए माइनस एक्स द पावर 2n। ठीक है, ठीक है, हाँ जी की बनया 2π 0 to π, हाँ जी की होया, साइन पाए माइनस एक्स से साइन एक्स ही होंगे। ठीक है, यदा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सो साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉस पाए माइनस कॉस एक्स होंगे, बट ऊपर पावर ईवन है, तो फिर आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, हुण फिर वही गल हुई कि तुसी किंग प्रॉपर्टी लाई आ और आंसर फिर सेम आ गया, तो फिर की करिए, हाँ जी देन वट वी शुड बी डूइंग, हाँ जी इंटीग्रेशन नू डबल करके लिमिट नू हाफ कर देंगे। ठीक है, एनी गल समझ आ गई? सो इतने साइड पर मैनशन कर दियो, मैं रब कर रहा कि हम आप उपर न सॉल्व कर दें राइट। सो ठीक है, क्वेश्चन ये समझाने टाइम लग रहा, अदरवाइज इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, आइडिया लग जाता कि प्रॉपर्टी लाई सेम है, डबल करके लिमिट हाफ कर दो, चेंज करके सॉल्व कर लो। ठीक है, हुण इस करके ये भी की होगा, डबल कर दो 4π आ गया, और लिमिट नू कर दो हाफ, दैट इज़ π/2। सो साइन एक्स रेज टू पार 2n कॉस एक्स रेज टू पार 2n प्लस साइन एक्स रेज टू पार 2n एक्स या। ठीक है, हुण तुहानू पता लग गया हुण हो जाएगा सॉल्व किदा, हुण अपर लिमिट π/2 होगी। नाउ वी अगेन अप्लाई किंग, उन्हें की होगा पुत्र, हुण अंदर वाला फंक्शन चेंज कर जाएगा, अप्लाई किंग प्रॉपर्टी 0 to a वाली। ठीक है, सो दैट इज 0 to π/2, साइन 90 - x, जिसे थे एक्स है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा बेटे, साइन का की बन जाएगा कॉस। ठीक है, बट तुसी स्टेप लिखोगे, कॉस का बन जाएगा साइन, साइन का बन जाएगा कॉस। ठीक है, हुण की हो गया, अंदर वाला फंक्शन चेंज हो गया, सो दिस इज इनू मनो इक्वेशन नंबर 1, एनू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्योंकि चेंज हो गया तो वी नो कि ये ऐड करके सॉल्व हो जाएगा, सो नाउ लेट्स ऐड देम अप एंड सॉल्व। ठीक है, सो इन्हां दोनों नू ऐड कर दो, 2i इक्वल टू 4π times 0 to π/2, जब इनू एच ऐड करांगे 1 dx। ठीक है, ऐड करके आया तो हुण इंटीग्रेशन कर लो, सो देयर फोर आ कर दो, सो i इक्वल टू 2π, हाँ जी 1 द इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम 0 to π/2, सो देयर फोर i आ गया थोड़ा π/2, दैट इज π². ठीक है, आंसर आ गया। बाकी इतने जान के मैं एग्जाम्पल लिया, थोड़ा लंबा 2 बार लाना पै गया, जनरली एक मतलब प्रैक्टिकली क्वेश्चन आज एक बार लगता है, बट पता तो हो गया ना राइट। सो एक कड़ा क्वेश्चन मैं रेज किया, वो लिख लो कि 0 to π x एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स 0 to π/2 एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स फाइंड के। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दें, पहला तो नज़र आ रहा रिमूवल ऑफ एक्स है ना ऑटोमेटिकली, और फिर लिमिट भी आधे नज़र आ रही राइट, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से इनू लैके चल रहे हैं और ये बराबर शो करा और के लभ लाँगे, तो हाँ जी प्रॉपर्टी लाओ, इनू 1 मान लिया, 0 to π, हाँ जी पाए माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाए माइनस एक्स वो साइन एक्स ही आ जाए। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड, क्योंकि चेंज कर गए, लेट्स ऐड देम अप, 2i
हाँ जी 0 टू पाई, आते बेटे सेम, तो ऐड करके आएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, कटे आएगा पाई बार आ गया। ठीक है पुत्र, सो नाउ यू हैव आई इज इक्वल टू 2, बेटे नीचे ले जाओ, पाई बाय 2 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो एनाक हो गया कि एक्स खत्म हो गया, बट इथे लिमिट के नहीं अपर पाई बाय 2। ठीक, तो की करिए, लेट्स अप्लाई दी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन, किंग वाली। तो किंग वाली प्रॉपर्टी तुसी लाओगे इथे, ते इथे साइन पाई माइनस एक्स, फिर तो किन्ना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, मतलब किंग प्रॉपर्टी लाई, अंदर वाला फंक्शन चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब की हो गया, तुसी इंटीग्रेशन नु कर दो डबल, ते लिमिट नु कर दो हाफ, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। सो देयरफॉर आ गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू के टाइम दिस, तो के दी वैल्यू आ गई पाई। अगेन सब्जेक्टिव ऐसे नाल मेंशन कर दो, यूजिंग 0 टू 2a इज ट्वाइस 0 टू a। ठीक है बेटे, ओके लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आ देखो सवाल की कहता है कि 0 टू 2π, ठीक है दिस थिंग, तो अगेन एक्स नज़र आ रहे, स्टार्ट ऑलरेडी में क्या कि किंग तो शुरू करो, पहली प्रॉपर्टी लाओ, तो मतलब क्योंकि इनडेफिनेट ना तो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो लेट अस अप्लाई किंग, सो दैट इज 2π माइनस एक्स साइन ऑफ 2π माइनस एक्स दी पावर। अच्छा 2020 2021, लाइक इतने कोई भी ईवन हो सकता है, इतने कोई भी ऑड है ना, तो इतने वही लिख लिया मैं। चलो एंड कॉस 2π माइनस एक्स दी पावर 2021, ते अब पहली इक्वेशन आज की हो गया ना, देखिए 0 टू 2π, 2π माइनस एक्स साइन 2π माइनस एक्स माइनस साइन एक्स साइन 2π माइनस चौथे च, तो उदी पावर इवन है तो सेम आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, उदी पावर 2020, गल समझ आई। कॉस 2π माइनस एक्स कॉस के चौथे च पॉजिटिव होंगे, तो ये क्योंकि यदि पावर ऑड है, जे माइनस आ जाता बाहर फिर बाहर माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इस करके क्योंकि कॉस चौथे च पॉजिटिव है तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड 1 एंड 2, फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया है ना, इतने एक्स है इतने 2π माइनस एक्स, तो लेट अस अप्लाई दी, लेट्स ऐड दैम अप, तो ऐड करांगे ते आ ते सारा पार्ट सेम है, एक्स प्लस दिस ऐड होएगा ते आ कटे जाऊगा 2π बार आ जाएगा, 2π बार आ गया, तो थोड़ा अंदर वाला फंक्शन आ रह गया। ठीक है, एनी गल समझे बेटे? ओके हुण आवे कर दो, हुण अगेन आ ते पार्ट सेम ही सेगा, फिर तुसी किंग अगर लाओगे, क्वेश्चन चेंज होगा, किंग लाओगे ते साइन 2π माइनस एक्स उदी पावर इवन साइन ही रहेगा, कॉस वाला कॉस ही रहेगा, तो आफ्टर वी अप्लाई किंग नाउ देन व्हाट विल हैपन, अंदर वाला फंक्शन रिमेन सेम, एनी चेंज नहीं करना। ठीक है, आई आगल क्लियर है पुत्र, प्रॉपर्टी लाके चेक करो, साइन 2π माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ऊपर पावर इवन है सेम आ गया, कॉस दाते सेम आ ही जाए, तो इधर मतलब की होया कि जे फंक्शन सेम आ गए तो की करिए, अगे 2 ना मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, पाई ते पाई सेगा, अपर लिमिट नू हाफ कर दिए, 2π दा बन गया पाई, तो आ थोड़ा हुण इंटीग्रेशन आ गई नवी। ठीक है, बिकॉज अपर लिमिट हैज चेंज्ड, ठीक है, देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन इज न्यू इंटीग्रेशन, ते फिर की दस्या सी जब चेंज कर गया फिर किंग ट्राई करो, सो लेट्स अप्लाई किंग 0 टू पाई, हाँ जी नाउ इतने साइन पाई माइनस एक्स द पावर 2020 कॉस पाई माइनस एक्स द पावर 2021 डी एक्स। ठीक है, इनू मैं इतने सॉल्व कर रहा हूँ, आए आ गया, हाँ जी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है दैट इज साइन एक्स दी पावर 2020 कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है दैट मीन्स सेकेंड क्वार कॉस नेगेटिव, और उदी पावर किन्नी है ऑड नंबर, तो माइनस कॉस दी पावर ऑड किन्नी आ जाएगी, माइनस बार आ जाएगा, तो इफेक्टिवली इतने माइनस बार आ जाएगा।
ठीक है, कॉस एक्स दी पावर 20 21 डी एक्स। नाउ आ होगी क्वेश्चन नंबर 3, ते आ होगी 4, ऐड करांगे बिल्कुल अब प्लस के नाल है माइनस के नाल, 2y इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, क्लियर है पुत्र? तो आ हो गया सवाल थोड़ा। नेक्स्ट, हाँ जी, आए अगेन, लेट्स अप्लाई स्टार्ट विद किंग। हाँ जी, पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस 4, ठीक है, ओके। नाउ हाँ जी, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आ जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, बट पावर इवन है, ठीक है, वो भी कॉस ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सो आ गया साइन स्क्वायर एक्स ते कॉस 4x, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड देम, 0 to π, हाँ जी आ वाला पार्ट ते सेम ही आ गया, ऐड कीता एक्स प्लस दिस ते एक्स कटा जाएगा पाई आ जाएगा। सो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x डी एक्स, ठीक है, आ इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, एनी गल समझ आ गई? नाउ व्हाट विल हैपन, हाँ जी हुण की करांगे, हुण एक्स उड़ गया फिर किंग लाओ, इतने किंग लावांगे तो की होगा, साइन पाए माइनस एक्स फिर साइन एक्स आ जाएगा, कॉस पाए माइनस एक्स ईवन पावर के नाल फिर सेम आ जाएगा, तो किंग प्रॉपर्टी लाने के नाल इफेक्टिवली अगले स्टेप ते फिर की होगा, इंटीग्रेशन अंदर वाला फंक्शन चेंज नहीं होया, तो फंक्शन चेंज नहीं होया तो की करांगे, इस इंटीग्रेशन नू 2 ना मल्टीप्लाई करके लिमिट कर दो हाफ, ठीक है। हुण ये मैं इत्थे लिख दिंदा, सो वट वी आर गोइंग टू डू नाउ, इंटीग्रेशन नू कर दांगे, अच्छा आह वाला 2 नीचे ले जाओ, देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन नू डबल कर दो, लिमिट नू कर दो हाफ, इत्थे आ जाएगा पाई बाय 2 साइन स्क्वेयर एक्स एंड कॉस रेस्ट पावर 4x, ठीक है। आई होप इना क्लियर है, हुण तुहानूं पता है कि हुण अपर लिमिट पाई बाय 2 हो गई है, हुण किंग लावांगे ते साइन दा बन जाएगा कॉस, कॉस दा साइन, हुण अंदर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, सो लेट्स अप्लाई द किंग वंस अगेन, पाई टाइम्स 0 to π/2, जिथे जिथे एक्स है उत्थे उत्थे 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स एक कॉस बन जाएगा, ठीक है, कॉस 90 माइनस एक्स ए साइन बन जाएगा। हुण चेंज कर गया तो की करीदा होंदा, जे सीधा सॉल्व नहीं हो रहा ऐड करीदा, ऐड कर दिओ पाई टाइम्स 0 to π/2, हाँ जी की है साइन स्क्वेयर कॉस 4 प्लस कॉस स्क्वेयर साइन 4, ठीक है, आई एम जस्ट सेविंग टाइम एंड स्पेस नाउ, तो साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर कॉमन आ गया, की आ गया कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर आ गया 1, तो इतने आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वेयर तो कॉस एक्स का स्क्वेयर, ठीक है, ऐड करने के बाद, और इतने आ गया राइट, तो साइन एक्स का स्क्वेयर तो कॉस एक्स का स्क्वेयर। नाउ उन्होंने भी वह फॉर्मूला बना लो पुत्र, 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, 2 का स्क्वेयर 4 बार आ गया, सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का होल स्क्वेयर, ठीक है। आई होप आ स्टेप समझ आ गया, दैट इज साइन 2x का होल स्क्वायर, सो आई आ गया पाई बाय 8 0 to π/2 साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड इधर इंटीग्रेशन यू नो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सो दिस विल बी, ए हुण इनडेफिनेट का आ गया, ठीक है, दैट कैन बी इजली सॉल्व, ठीक है। सो हुण तुसीं इहदे नाल कंपेयर करो, जो स्टार्टिंग दिता सी, स्टार्टिंग 'च इहो जिहा कुछ सीगा एक्स इंटू साइन स्क्वेयर कॉस 4, तो क्लियरली एक कितने रिड्यूस हो गया, बिल्कुल एक सिंपल इनडेफिनेट ते आ गया, ठीक है बेटे।